Hey guys, good morning. Once again, welcome back to a new vlog. Last वाले vlog को मैं शायद end करना भूल गया था, so उसके लिए sorry बोलता हूँ. और आज नया दिन है, काफ़ी अच्छा दिन है, मौसम काफ़ी खुला हुआ है और जो atmosphere में जो smog type की जो चीज़ होती है जाड़ों में वो आज नहीं देखने को मिल रही है. तो आज के दिन की शुरुआत होती है हमारे इस स्मार्टफोन से. लास्ट टाइम मैंने स्मार्टफोन अपना रिसीव किया था और आज इसके टेस्टिंग का टाइम आ जाता है. तो आज इसकी कंप्लीट टेस्टिंग होगी. कंप्लीट के मतलब सारी टेस्टिंग एक दिन में नहीं हो जाएगी. आज मैं सोच रहा हूँ कि इसकी बैटरी को टेस्ट करता हूँ और इसके कैमरे को टेस्ट करता हूँ तो किस तरह का परफॉर्मेंस है. 12,000 की ये डिवाइस है, रेडमी 9 प्रो. मम्मी आज गार्डन में सुबह सुबह पानी डाल रही है. देखो तुम्हारा ब्लॉग बन रहा है. कहाँ ढुनक रही हो? अब तो वही पड़ेगा जो ओरिजिनल होगा, लोकल नहीं पड़ेगा. MDH के मसाले डाले जाएंगे अब व्लॉग में. मैंने वाइड एंगल शुरू कर दिया है तुम्हारे व्लॉग बनाना. तो आज बड़े दिनों बाद मम्मी पानी नहीं डाल रही. काफ़ी दिनों से सूख रहे हैं पेड़. क्यों मम्मी? बहुत दिन हो गए सूख रहे हैं. इसका रीज़न मम्मी को पता है क्यों, लेकिन सो गाइस देखो अभी ये आया हुआ है गेट पे. अभी इसके 4-5 साथी भी आए थे और उनको मैंने ऑलरेडी खिला दिया था. मैंने सोचा इसका मैं वीडियो ही बना लेता हूँ. तो इसकी किस्मत अच्छी है, इसको पूरा पूरा बिस्किट का डब्बा खाने को मिल रहा है. चल आ जा, रुको रुको. ओके वो भी आ गए. कितने आ गए? 2, 2, 4. तो ये ले लो, तुम ले लो. देखो भैया सबको मिल गया, लगभग सबको बराबर बराबर दे दिए. लड़ना नहीं. तो इतने सारे लोग हैं, 1, 2, 3, 4. एक और था. चलो ओके बाय बाय. अभी भी देख रहे सारे. ओके बाय. हे गाइस वेलकम बैक. तो आज मैं अभी शॉर्ट्स में घूम रहा हूँ, देख सकते हो. अभी नहीं दिखा होगा, अभी दिखेगा. तो यहाँ पे कान में ट्विस्ट है, ऊपर का एकदम टाइट कर रखा है मैटर जाड़ों से बचने के लिए और नीचे शॉर्ट पहन रखी है. और बस ऐसे ही मन हुआ तो पहन लिया. और भाई ये कल बॉनफायर, कल रात में बहुत ही ज़्यादा ठंडक भी थी. एक्चुअली कल पूरा दिन ठंडक थी, गलन हो रही थी और बॉनफायर भी एकदम भयंकर वाला जला रखा था. बस एकदम मज़ा आ गया, मतलब खूब ढेर सारा मतलब आग जल रही थी, खूब देर तक तापा और माहौल ऐसा बन गया था. और इसलिए माहौल बन गया था क्योंकि लाइट चली गई थी. तो लगभग 2 से 3 घंटे तक लाइट नहीं थी और आग में बैठे एकदम. किसी चीज़ की वैल्यू तभी बदलती है जब सच में आपको उस चीज़ की ज़रूरत हो, जब वो आपके पास ना हो. तो कल ऐसे ही माहौल था. वैसे आम दिनों में पता नहीं चलती इसकी वैल्यू है. तो एक नई कहानी हो गई, घर में अलग नौटंकी चल रही. मतलब मम्मी का साबुन चूहा ले गया. इससे पहले भी हुआ है कई बार, मतलब चचुंदर ले जाता था, चूहा नहीं ले जाता था. अब इस बार चूहा ले गया. मम्मी बाहर गई है ज़रा, अभी आएगी तो बताएगी, पूछते हैं मम्मी से. भाई तब चूहों की बात हो रही तो ये देख लो भाई, नई चादर तो नहीं है बट ये भी चूहे का ही करम है. अभी तुम क्या कह रही हो? चूहा तुम्हारा वो ले गया ना साबुन? ठीक है. अब दूसरी ये बताता हूँ, यहाँ पे साबुन जो रखा रहता है यहाँ पे, उसमें रोज़ चूहे के निशान पड़े रहते हैं. इसका मतलब वो उठाने की कोशिश करता है, ऐसे ऐसे पकड़ता नहीं, वो मोटे वाले दांतों से ऐसा खुरचा जैसा लगा रहता है रोज. तो इस बार वो तो तुम्हारा साबुन ले ही गया. वैसे करता क्या, नहाता है क्या वो साबुन से? साबुन खाता है, साबुन खाता है. बताओ साबुन पसंद है? नहीं नहाता भी होगा, आजकल कुछ भी हो सकता है. आजकल वो सारी चीज़ें हो सकती हैं जो हम नहीं सोच सकते. और हाँ गाइज, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ऐसा वीडियो जिसकी बहुत ही देर से मांग थी वो आज जाने. देखो अभी यहाँ पे मैं इसको वेट कर रहा हूँ. ये वेट करना बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है जब आपके पास एक स्लो मशीन होती है. हालांकि स्लो नहीं है, या i5 है, लेकिन क्या करें, वीडियो एडिटिंग में यार स्लो ही कहेंगे इसको, क्योंकि इसमें डबल लेयर, कहीं पर ट्रिपल लेयर है. सो वो सारे लेयर्स के चलते यार चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं इस बेचारे के लिए. लेकिन मैं सच में इससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ. ये बहुत ही सस्ते में बहुत ही अच्छा है, केवल 45,000 रुपये में. जबकि 45,000 रुपये मुझे नहीं लगता कि कोई लैपटॉप जो है, वैसे मिलते तो बहुत सारे 35 में मिल जाएंगे i5, लेकिन जिस तरह का ये है सही है काफ़ी. मतलब दिखने में भी अच्छा है, काम करने में भी अच्छा है.
थोड़ा सा पेशेंस हमको भी रखना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे पास टाइम नहीं होता, जैसे आज जितनी जल्दी वो वीडियो चला जाता मेरी ग्रोथ शायद उतनी अच्छी हो जाती, लेकिन कोई नहीं, इसी को शायद कहते हैं रिसोर्सेस की कमी, जो कि कोई नहीं, होता है कभी कभी, लेकिन कोई नहीं, अगर आपके हिस्से का मिलना है आपको तो मिलेगा, थोड़ा देर हो जाएगी, कल भी डालोगे तो भी हिस्से का मिलना होगा तो मिलेगा, लेकिन दौड़ भाग वाले काम में बस ऐसा लगता है मन को कि यार हो जाता जल्दी तो अच्छा रहता। आई एम फीलिंग लक सो लकी टुडे बिकॉज अगर यहाँ पे देखो तो स्पीड काफ़ी अच्छी आ रही है और अभी 55% ऑलरेडी हो चुका है। आज अपलोड की स्पीड 8% 8 के MBPS आ रही है। आज अपलोड की जो स्पीड है वो 8 MBPS आ रही है, तो काफ़ी सही है यार। इतना रोज़ नहीं आती, तो ये 1.2 GB की फाइल है, बहुत जल्दी हो जाएगा और उसके बाद हमारे व्यूज़ भी आएंगे जल्दी, तो जल्दी से अपलोड करते हैं इसको।